albatross. So what is up guys, welcome to the brand new another episode of Clashingcave. तो दोस्तों यार आज वाले स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि एक क्लैश ऑफ क्लैंस के इतने बड़े लवर डॉक्टर मुजतबा की, जो कि मतलब वापस आ गया है क्लैश ऑफ क्लैंस में, बैक आ गया है वापस, जो कि देख सकते हैं उसका क्लैन जो कि है टॉप में आ चुका है, टॉप फोर पे अभी है, थर्ड पे था मैंने देखा था, अभी फोर पे आ गया है। तो देखिए ग्लोबल नंबर 10 जनवरी 2019 को इसने स्टार्ट किया और इसकी आप क्लैन में देखेंगे तो मैक्सिमम आईडी आपको डॉक्टर मुजतबा की दिखेंगे, एक दो मुश्किल से घुस गए ASO ये सब, नहीं तो बाद बाकी आप देखेंगे सारी आईडीज इसकी डॉक्टर मुजतबा नाम से ही है। तो दोस्तों यार ये बहुत ही मतलब सबको तो इसको जानते होंगे, इसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है क्लैश विथ ईडी, तो उसको भी जाकर एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो मतलब बात करते हैं ये वापस कैसे आ गया, तो एक बार तो पता चला था कि दोस्तों कि ये खुद से नहीं खेलता है, जो कि दूसरे कोई इसका मतलब अकाउंट खेलता है, मतलब इसने अकाउंट खेलने के लिए भी रखे हुए हैं आदमी, कुछ प्लेयर्स रखे हुए हैं, तो वही इसी को अकाउंट देता है, वही लोग खेलते हैं इसके अकाउंट्स को, तो दोस्तों वही खेलते हैं और इसको एक्टिव यहाँ पे लाते हैं। तो फिर से ये बैक आ चुके हैं यहाँ पे। और दोस्तों यार एक और बहुत बड़ी बात है कि जो कि मतलब डॉक्टर मुजतबा एक नंबर वन जैमर के नाम से भी जानते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस में, दुनिया में पूरा वर्ल्ड वाइड में नंबर वन जैमर के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, कि मतलब इसके जो कि जैम काउंट से 6 लाख जैम इसने मतलब यहाँ से परचेस किया था, 6 लाख जैम। आप सोच सकते हैं यार 6 लाख जैम मतलब कितना इसने मतलब इन्वेस्ट किया होगा, तो आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, मतलब बहुत मुश्किल होगा यार कितने पैसे इसने क्लैश ऑफ क्लैंस में लगाए होंगे, तो इसीलिए यार मतलब 6 लाख जैम तो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। तो दोस्तों यार बात करें कि डॉक्टर मुजतबा जो कि है वो बिल्डर हॉल पे ध्यान देता है कि नहीं, तो बिल्डर हॉल पे दोस्तों डॉक्टर मुजतबा जरा सा भी ध्यान नहीं देता है बिल्डर हॉल पे। बिल्डर हॉल की बात करें तो डॉक्टर मुजतबा जरा सा भी ध्यान नहीं देता है बिल्डर हॉल पे, ये मतलब यहाँ से मैं देख के नहीं बता रहा हूँ कि ये मतलब ये ऑफिशियली मतलब ये बात फैल चुकी है कि बिल्डर बेस पे जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन दोस्तों मेन विलेज की बात करें तो वो दोस्तों हर एक पीस ऑफ वॉल को भी अपग्रेड किए बिना नहीं रहता है, दोस्तों हर एक पीस ऑफ वॉल को एक से एक चीज़ लेकर अपग्रेड किए बिना नहीं रहता है, उसको मतलब शांति ही नहीं मिलती है कि मतलब अपग्रेड करता रहूँ, बस उसका मन यही करता है, लेकिन बिल्डर हॉल पे वो जरा सा भी ध्यान नहीं देता है दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्टर मुजतबा यार वापस आ चुके हैं, पता नहीं उसके असिस्टेंट खेलते हैं या वही खेलता है, वो तो अब नहीं खेलता है क्योंकि उसने कह दिया था कि वो रिटायर हो चुका है क्लैश ऑफ क्लैंस से, अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों, वो अब मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों यार डॉक्टर मुजतबा बैक आ चुके हैं, उनके बारे में मैं कुछ इसीलिए बताना चाहता था, जिनको नहीं पता है उनको शायद पता चल गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, एक कमेंट छोड़कर जाना भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे इस तरह कुछ अगले कुछ अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लैशिंग केव।